तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर बेसिकली तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये कहते हैं मैच करना लिस्ट वन लिस्ट टू आइसोथर्मल प्रोसेस से, इसमें से कौन सा मैच करता है। अगर ए देखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते हैं, तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज जीरो। जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो बेसिकली क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी कहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ से तुम देखोगे तो ए का अपना सीधा सीधा अपना सेकेंड यहाँ से मैच कर जा रहा, तो ए का सेकेंड मैच कर रहा, मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है। बी देखो, बी में देखोगे आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइडियाबेटिक प्रोसेस में, आइडियाबेटिक अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई लिखाई किए हो तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, फिजिक्स में पढ़े होगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, हीट एक्सचेंज जो है पॉसिबल नहीं होता है, हीट एक्सचेंज यहाँ से तुम देखोगे तो हीट चेंज जीरो, तो डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल हीट फाइनल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये तुम देखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो डेल्टा यू ही इन या डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू का जो सम होता है वो डेल्टा क्यू के बराबर होता है, हीट गिवन इज यूज्ड इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव आ रहा है यहाँ से। तो जब हीट एनर्जी चेंज जीरो हुआ तो इसका मतलब ये हुआ वर्क डन बाई द गैस इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये जो है इसका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जो भी वर्क हुआ होगा निगेटिव साइन मतलब डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो बी का जो है सीधा सीधा यहाँ बी का मैच कर गया फर्स्ट, तो बी का अपना फर्स्ट मैच कर गया, तो बी का फर्स्ट मतलब अभी भी हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो और अधिक सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोग सॉल्व करने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो सी देखोगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है तो यहाँ से जो वर्क डन होगा वो पी डेल्टा भी, तो वर्क डन भी तो जीरो आ गया, तो यहाँ से जो है वर्क डन जीरो आ गया, तो नो वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब सी का यहाँ से सीधा सीधा अपना सी का मैच कर गया फोर्थ, तो सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, सेकेंड वन इज द करेक्ट, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। आइसोबेरिक प्रोसेस देखो, तो थोड़ा सा आइसोबेरिक प्रोसेस की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस में बात करोगे डी, तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो होता है, तो डेल्टा पी चेंज इन जीरो होता है। तो अगर डेल्टा पी चेंज इन जीरो है तो वर्क डन इज इक्वल टू, तुम देखोगे तो पी डेल्टा भी, तो वर्क डन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर वर्क डन जीरो के बराबर नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू एन सी वी, और डेल्टा टी यहाँ से तुम देखोगे तो ये वाली तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ से तुम ये भी जीरो नहीं है। तो जो हीट एनर्जी दोगे डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दोगे वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा, हीट एनर्जी इज गिवेन इज यूज्ड इन इन इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहाँ से तुम हीट एनर्जी पार्शली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, मतलब ये हुआ इसका डी का फोर्थ सही है, तो डी का थर्ड सही है सॉरी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मोस्ट सुटेबल और अप्रोप्रिएट है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।